बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है और सुबह से ही लगातार घनी धुंध देखी जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्र का इलाका है और यहां तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से घनी धुंध है, और ऐसे में जो है दो पहिया वाहन से लेकर चार पहिया वाहनों की रफ्तार पर भी जो है ब्रेक लगे हैं। ख़ास तौर पर जिस प्रकार से लगातार मौसम में बदलाव हो रहा था और एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में बदलाव देखे जा रहे हैं और आगामी दिनों में भी जो है बूंदाबांदी के आसार होने की संभावना मानी जा रही है। हालांकि दूसरी तरफ बात करें तो दिन के समय जहां अच्छी धूप खिलती है और सुबह शाम जो है ठंड भी जो है कड़ाके की पड़ रही है, ऐसे में आम जनजीवन पर काफ़ी प्रभाव देखा जा सकता है। और वहीं बात करें तो दिन का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया और सूर्यास्त के बाद एक बार फिर तापमान में लगातार इसी प्रकार से गिरावट देखी जाती है और इसी प्रकार की स्थिति प्रतिदिन है। हालांकि आज जो है कई दिनों बाद एक बार फिर धुंध के आसार बने हैं और जिसके कारण तापमान में कुछ गिरावट सुबह के वक्त जरूर देखी जाती है, लेकिन जिस प्रकार से बात करें तो ठंड में अभी राहत जो है मिलने की कम उम्मीद है और ऐसे में जो है लगातार लोगों के लिए परेशानी बढ़ रही है। और दूसरी तरफ जिस प्रकार से बात करें मौसम में तब्दीली के चलते लोगों का जनजीवन काफ़ी प्रभावित हो रहा है और ऐसे में कई प्रकार की बीमारियां खांसी जुखाम जो है लगातार लोगों को घेर रही है, ख़ास तौर पर बच्चों को भी प्रभावित कर रही है। और एक बार फिर मौसम में तब्दीली होने की वजह से सुबह के वक्त काफ़ी धुंध सोनीपत में देखी गई है। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए राम सिंह मार।